बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन की बहुत क्रिस्पी और सुपर टेस्टी रेसिपी। तो उसके लिए मैंने 300 ग्राम चिकन ब्रेस्ट ले लिया है। मेरे पास ये चिकन फ्रीज़ हुआ हुआ था, तो इसलिए मैं इसको बारीक लीव्स की शेप में काट रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप में काट सकते हैं, लंबाई के रुख भी काट सकते हैं। तो इसको हमने अच्छे से काट लिया है। अब हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस। इसमें बहुत कम मसाले जाएंगे, तो इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट और उसके बाद ऐड करेंगे क्रश की हुई रेड चिली। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट और वो है गार्लिक पेस्ट। तो मैंने 1/2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। तो इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम चिकन को 20 से 30 मिनट के लिए मैरिनेट करके छोड़ देंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। तो मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करने के लिए 1 खाने का चम्मच पानी ऐड कर देंगे और इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन पीसीस के ऊपर एक पतली सी लेयर बन जाए। तो यहाँ पर नए नाज़रीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और मुझे हौसला। तो कॉर्नफ्लोर को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब चिकन को हम ज़रा सा साइड पे करेंगे और साथ हम लेंगे ब्रेड क्रम्स। तो अब हम चिकन पीस को ब्रेड क्रम्स के ऊपर रखेंगे और दूसरे हाथ की मदद से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरह कोट कर देंगे। तो चिकन पीस के ऊपर हमने बहुत अच्छी सी ब्रेड क्रम्स की लेयर लगाई है। बाकी सारे पीसेस को भी हमने इसी तरह तैयार करना है। तो ऑयल हमने गरम कर लिया है। अब इन चिकन पीसेस को फ्राई करेंगे। इस दौरान फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। इन चिकन पीसेस को 3 से 4 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है एक साइड से और उसके बाद हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। ये चिकन बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत सॉफ्ट, सुपर टेस्टी और क्रिस्पी बनके तैयार होता है। तो 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद इनका अच्छा सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। तो मज़ीद हमने इनको 2 मिनट फ्राई किया है। तो चिकन हमारा रेडी है, इसको हम डिश आउट करेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये चिकन कितना क्रिस्पी और अंदर से कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। अभी ये बहुत गर्म है लेकिन मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि ये कितना इजीली टूट गया है। मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, इसलिए ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।